alaikum. Um I hope uh, the students are doing well today, uh, and I also hope that the lecture that we covered yesterday, it's still in your, uh, in your, in your, in your brains. Uh, we talked about uh, the scene making uh, styles. We talked about the scene making standards, and we talked about the different ways in which people can make uh, different types of decisions. So let's talk more about decision-making today. Um, I Before uh, uh, I start off with a regu le regular lecture, let me give you an uh, overview of the last lecture so that um, the things should uh, be active in your mind. Ki last time kya discuss kiya It will make it easy for you to कैच अपॉन देंट लेक्चर या आज के लेक्चर के साथ सो लास्ट टाइम हमने जो चीजें डिस्कस की थी उसमें प्रॉब्लम सोल्विंग एंड डिस हमने डिस्कस किया था कि दीज थिंग डिफरेंट हाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज डिफरेंट फ्रॉम डिसीजन मेकिंग देन वी टॉक अबाउट डिसीजन मेकिंग मॉडल्स एंड स्टाइल्स हमने स्टाइल पर बात की थी Um, bounded rationality and uh, satisfying styles, and uh, is different or those styles are about. Decision making structures, decision making conditions, ke mein tha. and uh, we also talked a little bit about the potential advantages and disadvantages of uh, using uh, the group uh, decision making. This is we discussed. It's good to have the group decision uh, making because you get. Uh, lots of alternatives in that. Like, in um, along with that, there are lots of disadvantages as associated with the uh, group decision making. Consensus ka problem conformity uh, ka problem group think ka problem And uh, then, if you don't want to give an approval to the last decision that is made, like, in, you That is another uh, problem. So. Problems and uh, uh, advantages and disadvantages both are associated with the, the group decision making. But um, 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 you, you really have to see that if you will have to have people with you. If it is not necessary, then you will uh, it's it's an option. Agar if you really want help from other people uh, in terms of having lots of options, then you can go for it. If not. यू कैन टेक सारी की सारी जिम्मेदारी आपके अपने ऊपर आ जाएगी राइट सो लेट्स मूव फॉरवर्ड ओके साथ का जुड़ा हुआ पार्ट दैट इज वाई है ग्रुप एंड इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग लिटिल बिट इन मोर डिटेलो डिसीजन मेकिंग कब आपको इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग जरूरत पड़ सकती है इसके बारे में थोड़ा बहुत आज देखेंगे ओके okay. पहले मैं आपको बता दूं कि uh, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि डिसीजन मेकिंग का पोटेंशियल कितना है देन इवेंचुअली यू विल हैव टू मेक अ डिसीजन अकेला लेना है लोगों को इन्वॉल्व करना है डिफरेंट ऑल्टरनेटिव जनरेट करने हैं एंड किस हद तक लोगों की कंसेंस लेनी है यू ऑल्सो हैव टू सी द स्ट्रक्चर दायरकी ऑफ द ग्रुप जिसको आप ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल हायर आर्की ग्रुप का मतलब ये है कि यू रियली हैव टू सी है एक ग्रुप अगर डिसीजन ले रहा है तो उसमें हायर अथॉरिटी पर कौन है मिडिल अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी आपसे नीचे कौन है और अगर हायर अथॉरिटी का बंदा एक मशवरा दे रहा है तो इज इट बाइंडिंग फॉर एवरी वन कि वो उसको माना जाए या यू कैन गो अहेड एंड यू कैन डिस्कस एंड इफ यू डोंट लाइक हिज ऑल्टरनेटिव या yeah, उसके प्रपोजल्स आपको पसंद नहीं आए तो यू कैन सिम्पली डिस्कार्डम विदर मैनर ठीक है सो ये सारा इस पर डिपेंडेंट होता है सो लेट सी के डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब और अपॉर्चुनिटी के अंदर हमको क्या क्या स्टेप लेने ये थोड़े से हम एक दो स्टेप्स देखेंगे यहाँ तक एंड देन सी क्या दो स्लाइड्स पर हमारे डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड ऑपर्चुनिटीज है एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल सी के आगे जाकर आगे uh, इसका क्या uh, तरीका कार होता है ओके okay, तो पहला स्टेप डिस्टिंग्विश सिम्टम्स फ्रॉम द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम आप प्रॉब्लम uh, की पहले कॉज देखिए उसके सिम्टम्स आइडेंटिफाई कीजिए एंड देन उन दोनों को फर्क कीजिए कि uh, उसके जो प्रॉब्लम के सिम्टम्स थे उसके निशानियां जो आपको नजर आ रही हैं उसके काजेस के साथ उसको अलहदा कीजिए क्योंकि यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू एक तो वो है कि उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसके साथ हैं जिसके साथ अगर आप उनको निकाल लेंगे तो प्रॉब्लम की जो वजूद है वो प्रॉब्लम इज अ स्टेटमेंट इज वेल राइट प्रॉब्लम एक एक्शन भी तो है ना जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम निकाल देना ही जिंदगी से काफी है वो अपने अंदर एक एंटिटी है उसके ऊपर काम करना आपकी जॉब का एक हिस्सा भी हो सकता है उसको निकाल देना इज नॉट द ओनली सोल्यूशन तो सिम्टम्स होते हैं जो उसकी एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी होते हैं और कॉजेज जो होते हैं जिसको प्रॉब्लम कर रहे होते हैं कॉजेज uh, मीन्स उसके रीजनस उसके होने के तो so, इन दोनों को आपने आइडेंटिफाई करना है सेपरेट करना है सो लिस्ट दी ऑब्जर्वेबल एंड डिस्क्राइबेबल अकरेंसेज दैट इंडिकेट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट आप देखिए कि कुछ आपको देखने से पता चलते हैं चीजें कुछ आपको खामोशी से ऑब्जर्व uh, करने से पता चलती हैं और कुछ आप डिस्क्राइब करते हो राइट right? कुछ चीजें आप uh, के लिए बिल्कुल ही लाइक यू आर ऑब्जर्विंग इट एक प्रॉब्लम हो गया ऑफिस में डिसिप्लिन का इशू हो गया एंड यू हैव बिन ऑब्जर्विंग इट सो दैट इज इज्जर ऑब्जर्वेशन एक होती डिस्क्राइब आप लोगों से डिस्क्रिप्शन लेते हैं उन चीजों की एंड देन यू डिस्क्राइब कि वॉट एक्चुअली द प्रॉब्लम इज ठीक है देन so you really identify that okay, this is the problem and this is uh, existing uh, uh, at, at, at this moment. Then secondly, you determine the cause of the problem. That is more, pro uh, in, uh, more important. Aap, uh, problem hai, problem exist karta hai, aap uska cause find out karte ho. Ki isko si potentially motivate kar rahi hai. Then either you remove the cause, uh, remove the cause should cause the symptoms to disappear or cease. उस कॉज को हटा दीजिए जो उस प्रॉब्लम के सिम्टम्स को होने में मदद कर रही है अभी सिर्फ कॉजेस की बात हो रही है ठीक है हम सिम्टम्स को कॉजेस uh, के हिसाब से हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉब्लम क्यों खड़ा हुआ उसकी वजूहत क्या है सिंपल जबान में उनके वजूहत को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए ये कैसे होता है सिम्टम फॉर एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल से इसको समझाया सिम्टम ये है आपको नजर आ रहा है प्रॉब्लम का प्रॉब्लम एक्चुअली नहीं है उसकी कोई सिम्टम आपके सामने है जैसे भी मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम को इग्नोर कर देना या खत्म कर देना इज नॉट द वो एक एक्शन है जो होगा आपको कैसे पता चलेगा उसके सिम्टम्स के थ्रू राइट आपका जॉब है कि आप ऐसे प्रॉब्लम्स अगर हों तो आप उनको हटाइए उनको कॉजेस को कम कीजिए तो यहां हम देखते हैं कैसे ये सिम्टम्स कॉज सोल्यूशन का रिलेशनशिप बनता है सिम्टम है कस्टमर डिस्सेटिस्फेक्शन ये उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड ये सिम्टम है आपके सेल्स पर्सन आर नॉट ट्रेन दे प्रॉबेबली हैव टॉक्ट टू दस्टमर्स इन द रूड मैनर उनको सही करके डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे प्रोडक्ट्स की एंड दे आर नॉट सेटिस्फाइंग द कस्टमर्स ठीक है तो रीजन पीछे क्या है कि एम्प्लॉयज ठीक नहीं काम कर रहे इसके कुछ और रीजन भी हो सकते हैं लेकिन यहां इन्होंने पोटेंशियली बताया कि आपके इंप्लॉयज ट्रेन नहीं है अब और रीजन या और कॉजे में हो सकता है कि क्वालिटी नहीं है प्रोडक्ट के अंदर उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक लैक कर रही है उसकी एक एलिमेंट इज मिसिंग क्वालिटी इज नॉट सेटिस्फाइड दैट इज वाई के कस्टमर इज डिससेटिस्फाइड तो प्राइस बहुत ऊंची है दैट इज वाई कस्टमर इज डिससेटिस्फाइड डिलीवरी सही नहीं हो रही दैट इज तो कॉजेज कुछ भी हो सकते हैं तो आपने वो काजेज आइडेंटिफाई करने हैं सोल्यूशन इसके इम्प्लीमेंट अभी ये सिर्फ इस कॉज का सोल्यूशन है इम्प्लीमेंट कस्टमर रिलेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एम्प्लॉयज़ उनको ऑब्वियसली यहाँ उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि एम्प्लॉयज आर नॉट ट्रेन प्रॉपरली सो इनको ट्रेन करें दैट इज़ द इजिएस्ट सोल्यूशन कि इंप्लीमेंट द कस्टमर रिलेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एम्प्लॉयज़ उनके लिए स्टार्ट करें ताकि आपके जो उनके रूट बिहेवियर्स हैं या उनकी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन वो लोग देते हैं या प्रोडक्ट पर सही बात नहीं कर पाते या डिलीवरी सही नहीं दे रहे एनी प्रॉब्लम कैन हैपन उनको ट्रेनिंग के थ्रू उस प्रॉब्लम को दूर, दूर कीजिए ताकि आपकी इवेंचुअल कस्टमर सेटिस्फेक्शन का ग्राफ ऊंचा हो जाए राइट सो so, अगर इसमें फॉर एग्जाम्पल कॉज इज समथिंग एल्स ये दूसरा वाला देखिए सेकेंड वाला ये अगर आपका कॉज दूसरा है दिस वन आप देखिए कि यहाँ ये सिम्टम इज सिम्टम को छोड़ दीजिए कॉज यहाँ पुअरली ट्रेंड एम्प्लाइज है हमारा कुछ और भी मसला हो सकता है कि प्रोडक्ट का एक फीचर इज मिसिंग आप प्रोडक्ट के फीचर के बारे में बात करेंगे फॉर एग्जाम्पल एक सेल फोन ले लीजिए सेल फोन की बैटरी लाइफ के बारे में आप क्लेम कर रहे थे कि इट्स एटीन आवर्स लॉन्ग ये ट्वेल्व आवर्स लॉन्ग और कॉज क्या निकल रहे कस्टमर डिसेटिस्फाइड क्योंकि बैटरी इज वर्किंग ओनली फॉर सिक्स आवर्स तो आप सोल्यूशन इसका फिर प्रेजेंट करेंगे कि अपने प्रोडक्ट की इन्हेंसमेंट करेंगे आप अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करेंगे तो उस हिसाब से आपको राइट प्रॉब्लम राइट कॉज आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि प्रॉब्लम अगर सही नहीं है तो आप यू विल नेवर बी एबल टू आइडेंटिफाई कि उसके सॉल्व कैसे किया जा सकता है याद है ना हमने एक प्रपोजल राइटिंग की केस डिस्कस किया था लास्ट में कि आप एक प्रपोजल लिखकर भेज रहे हैं और टॉप अथॉरिटीज ने उसको रिजेक्ट कर दिया और आप बोल रहे हैं कि नहीं जी टॉप अथॉरिटीज बहुत रूड uh, हैं और वो आपका प्रोजेक्ट आगे निकलने नहीं, नहीं दे रहे तो uh, उनको uh, क्या किया जाए हालांकि कॉज ये था कि आपका प्रपोजल सही बिल्डअप नहीं था उसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल फॉल्ट थे तो प्रॉब्लम जब तक सही आप नहीं आइडेंटिफाई करेंगे कॉजेज नहीं आइडेंटिफाई करेंगे आपका सोल्यूशन नहीं निकल सकता अगेन uh, मैं आपको फिर ये बात एक बार बता रही हूँ कि अपेरेंटली ये चीजें देखने में बहुत आसान लगती है बट वेन यू स्टार्ट अपलाइंग दीज थिंग्स इन योर नॉर्मल लाइफ तो फिर ये चीज़ें आपको वाकई प्रॉब्लम देती हैं अगर गलत और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा ही होता है कि आप एक प्रॉब्लम है उसका गलत कॉज आइडेंटिफाई करते हैं और गलत सोल्यूशन पर काम करके वो प्रॉब्लम वहीं का वहीं रहता है हमारे मुल्क में ये जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस और, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो, तो गवर्नमेंट के इतने प्रॉब्लम्स हैं इनका मसला क्या है कि हर बंदा दूसरे पर इल्जाम डालता है प्रॉब्लम सही आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा कि ये प्रॉब्लम की वजह ये है कि मैनेजमेंट फ्रेमवर्क सही नहीं है वैल्यू सिस्टम ठीक नहीं है एथिकल स्टैंडर्ड्स ठीक नहीं है कोई बंदा अपना जॉब ठीक नहीं करता उसका सिर्फ ये काम है दूसरों की जॉब पर क्रिटिसाइज करना सेल्फ करेक्शन इज मिसिंग तो इसका कॉज वाकई ये है कि सेल्फ करेक्शन बहुत ज्यादा डिफेक्टेड है जब तक सेल्फ करेक्शन पर काम नहीं होगा आगे प्रॉब्लम सही नहीं होंगे आप कहते हैं कि मुझे उस सिस्टम का हिस्सा बना दीजिए तो आप उस सिस्टम में जाकर उस सिस्टम का आ, साथ देने लग जाते हैं क्योंकि उसमें सर्वाइवल मुश्किल है इसके बगैर जब तक आप स्टैंड नहीं लेंगे जब तक आप उसके खिलाफ काम नहीं करेंगे एक टीम के साथ आप उसके प्रॉब्लम को सही नहीं कर सकते तो सही कॉजेज आइडेंटिफाई कीजिए स्क्रैच से लेके पर्सनल कामों से डोमेस्टिक कामों से ऑर्गेनाइजेशनल कामों से डिपार्टमेंटल लेवल के कामों से मुल्क के लेवल तक आइए और देखिए कि कहाँ प्रॉब्लम के क्या काजेज है और उनको कैसे दूर कर, किया जा सकता है नॉर्मल जिंदगी में भी जब हम परफॉर्म करते हैं तो हमें सही कॉजेज नहीं पता चल रहे होते हम सिर्फ ये चाहते हैं कि दूसरों के आ, जो हमारे साथ उस ग्रुप या प्रोजेक्ट में शामिल है उनके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें अपने प्रॉब्लम्स तो वी आर द परफेक्ट सोल्स अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं करते तो इसीलिए डिसीजन मेकिंग हमारे लिए इतनी मुश्किल हो जाती है ठीक तो नेक्स्ट आइए सेटिंग ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट पर फिर अब आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं इनवॉल्सिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव द बेटर डिसीजन ठीक है अपने जब आप उसको करेक्ट करने की तरफ आते हैं तो अपने रिमेंबर uh, के हम जब uh, वो एक पूरा स्टेप बाय स्टेप उस uh, uh, को सॉल्व कर रहे थे पूरे uh, और प्रोसेस में डिसीजन मेकिंग के तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स में आप देखिए कि इन्वॉल्व इस्टेबलिशिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव दैट विल मेक फॉर द बेटर डिसीजन अपने ऑब्जेक्टिव को बहुत क्लियर रखिए कि कॉज एंड देन सेटिंग द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये बहुत देखिए कि अब जो नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव सेट हो रहा है उसमें लूप हॉल्स की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए जितने आप लेम तरीके से काम करेंगे उतने आपको रीवर्क करना पड़ेगा आप एक में फिर क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करके आपने कहा देखा जाएगा बाद में अभी तो इसको पूरा करके सबमिट कराओ काम को फिर ये होता है कि काम में प्रॉब्लम्स निकलने शुरू हो जाते हैं तो एरर फ्री काम करने की कोशिश कीजिए यही वो बात ये कर रहे हैं कि क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट कीजिए और उनको अकम्पलिश करने के लिए अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कीजिए ठीक है ऑब्जेक्टिव स्टेट व्हाट द डिस शुड अकम्पलिश इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और टेकिंग एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्टिव आपको बहुत क्लियरली बताते हैं कि कौन से हमको डिसीजन uh, लेने चाहिए और uh, एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एंड देन ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी ठीक है डिसीजन दैट विल ऑब्जेक्टिव अब आप वही बात है कि उसको अकम्पलिश करने का क्राइटेरिया सेट करें क्राइटेरिया क्या होता है एफिशंसी इफेक्टिवनेस mm, प्रोजेक्ट कंप्लीशन रेगुलर बिहेवियर मतलब ये है कहने का कि स्टैंडर्ड सेट कीजिए आपने एक नया गोल सेट किया आपको फॉर एग्जांपल आप ये बोलते हैं कि मैं एमबीए आप कर रहे हैं ना एमबीए बी इज द ऑब्जेक्टिव गोल है आपका आप क्राइटेरिया उसको आइडेंटिफाई करता है कि आपकी परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड क्या होगा क्या आपने बस पढ़ के पास होके पूरा करना है या आपने सीख कर अप्लाई करके आपने एम की डिग्री लेनी है आपका ऑब्जेक्टिव उससे भी ज्यादा है कि आपने पढ़ना भी है अप्लाई भी करना है अच्छा असाइनमेंट्स भी करने हैं अच्छे ग्रेड्स भी लेने हैं और आगे लेनेनशिप में वॉलंटियर वर्क आया वो भी करना है और आगे फिर आपको अच्छी जॉब आए तो उसमें भी अच्छा परफॉर्म करना है एंड देन विद एन एम कि जो कुछ आप लर्न कर रहे हैं अपने कोर्स में वो आप इवेंचुअली अपने फ्यूचर लाइफ में अप्लाई करेंगे क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं ना आप आपका एक लेम क्राइटेरिया तो नहीं है कि मैंने बस गुजारे लाइक पढ़ना है जितना मैक्सिमम मुझको याद रह गया ठीक है ग्रेड्स बस लेने हैं डिग्री लेनी है और जहां नौकरी मिल गई वहां जाकर लग जाना ये तो मोरलेस हर बंदे का मिनिमम क्राइटेरिया तो होता ही होता है अपने क्राइटेरिया को बेहतर बनाइए अपने क्राइटेरिया को बेहतर बनाएंगे तो आपकी नॉर्मल लाइफ पर भी असर अंदाज होगा ठीक है तो एक स्टैंडर्ड्स होते हैं नीचे से ऊपर तक की तरफ अपने ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए आप किस किस स्टैंडर्ड पर कितना कितना काम करते हैं राइट तो ये है आपके ऑब्जेक्टिव्स एंड क्राइटेरिया अब देखिए जनाब नेक्स्ट इज के जनरेट क्रिएटिव ऑल्टरनेटिव अब क्रिएटिव ऑल्टरनेटिव आप देखिए हमने वही बात की थी ना कि डिसीजन मेकिंग के इस पूरे प्रोसेस में या ग्लोबलाइजेशन के इस पूरे प्रोसेस में जो पीछे हम बात कर रहे थे कि ऑनटरप्रोनोरशिप जब आती है ऑन्टरप्रोनोरशिप मीन्स के इनोवेशन आपको लेकर आनी है जितना क्रिएटिव होंगे जितना आपका आइडिया इनोवेटिव होगा उतना उसको इम्प्लीमेंट करने का मज़ा आएगा पीछे के शायद सोल्यूशन जो आप कर चुके वो इतने ज्यादा घिस पिट गए कि अब वो दोबारा करेंगे दोबारा एरर का मार्जिन आएगा तो क्यों ना एक ऐसा एरर फ्री सिस्टम आप बना लें या प्रपोज कर दें और इस दफा ट्राई करके देखें कि जिससे आगे कोई प्रॉब्लम ना हो पाए आपको ठीक है तो इनोवेशन ये बताती है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू आइडियाज इनोवेशन तो खैर एक ग्रैंड स्केल का कॉन्सेप्ट है ना वो यहाँ बता रहे हैं कि अपनी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए इनोवेशन करें इनोवेशन डज नॉट मीन कि आप सुपर फ्लूस किस्म के आइडियाज लगाने शुरू कर दें कि मैडम ने कहा था मैनेजमेंट की जिंदगी में एक दफा कि जब ये काम करें तो इनोवेशन करें इनोवेशन बगैर मकसद के मत कीजिए देखिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू आइडिया इसको जरा पढ़ें पहले आप प्रोडक्ट इनोवेशन है प्रोसेस इनोवेशन है ठीक है प्रोडक्ट का इनोवेशन होता है कि यू मेक न्यू थिंग्स आप कोई नई प्रोडक्ट uh, वजूद में आती है फॉर एग्जाम्पल आप आईपॉड आई पॉड जब पहली दफा आया तो इट वॉज बिग इनोवेशन ठीक है वो थी एक नया आइडिया आया um, लोगों ने उसको पसंद किया एक uh, Uh, आपको एक डिवाइस मिल जाता है छोटा सा कंप्यूटर का मिनी साइज़ जिस पर आप काम करते हैं एंड देन इवेंचुअली वो क्या बन गया इतना हिट हो गया तो वो प्रोडक्ट की इनोवेशन थी प्रोसेस की इनोवेशन होती है न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स आप नए नए तरीके दरियाफ्त करते हैं एक सिमिलर काम को करने के राइट right? आप uh, uh, एक रिपोर्ट uh, uh, बना रहे हैं उसमें अब uh, वही बात है कि आपने रिपोर्ट्स को डिफरेंट स्टाइल्स पर रखा हुआ है आधा रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन आप कहीं कर रहे हैं आ, उसका बीच का पार्ट आप कहीं और कर रहे हैं उसके लिए आपने एक बंदे को दे दिया काम छोटा सा सब असाइनमेंट के गूगल करके लाए तीसरे बंदे को आपने दे दिया फाइनेंशियल पार्ट करके लाए एंड देन यू आर कंपोजिंग इट इन अ मैनर आप मैं 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 आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ दैट माइट नॉट बी द राइट एग्जाम्पल लेकिन इससे आपको सिर्फ समझाने के लिए कि देर आर फ्यू पीपल जो कहेंगे कि के अच्छा गलती का मार्जिन कम हो तो सारा काम मैं खुद बैठ कर करूँ ये हार्ड वर्क जरूर कहलाएगा क्रिएटिव वर्क नहीं कहलाएगा आप सारा काम खुद कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन मैं रिसर्च का काम जब करती हूँ तो आई बिलीव कि मैं सारा काम खुद करूँ लिटरेचर रिव्यू भी खुद करूँ उसको सब्जेक्ट मैटर भी खुद बनाऊँ टाइप भी खुद करूँ टेबल्स भी खुद क्रिएट करूँ सारा काम खुद करूँ किसी की हेल्प ना लूँ फिर इवेंचुअली ये होता है कि एट द एंड ऑफ द राइटिंग अ पेपर आई एम सो टायर्ड मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स और उसमें एरर मार्जिन बहुत ज़्यादा ऊंचा चला जाता है क्योंकि यू आर डूइंग द होल वर्क योर तो आसान तो नहीं होता एक लिखना पेपर या रिसर्च का uh, आर्टिकल बहुत टायर सम होता है सो so इसमें अगर कि आप किसी की हेल्प ले लें डेटा कलेक्शन में ही ले लें डेटा की शॉर्टिंग में ले लें डेटा ऑर्गेइजेशन में किसी की हेल्प ले लें तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास यहाँ मीन्स नहीं होते इतने ज़्यादा इसको एक्सप्लोर करने के तो क्या होता है आपके ऊपर वर्कलोड बहुत बढ़ जाता है तो वर्क की क्रिएटिविटी ये नहीं है क्रिएटिव है कि आप काम करवा कर उसको एफिशिएंट मैनर में उसको उसको सामने सरफेस पर लेकर आए अभी हो सकता है कि मैं एक दो स्टूडेंट्स को अपने साथ इन्वॉल्व करके डेटा कलेक्शन करवा सकती हूँ उसका डेटा एनालिसिस मैं खुद कर सकती हूँ रिपोर्टिंग के लिए मैं उनको दे सकती हूँ काम आई कैन डू इट लाइक दैट विच इज मोर स्मार्ट वर्क ऑफ डूइंग इट लेकिन मैं नहीं करती सो so, क्या हो रहा है कि अगर आप एक काम का सारा खुद कर रहे हैं तो हार्ड वर्क तो कंसिडर हो रहा है वो यू आर डूंग लॉट ऑफ वर्क लेकिन एक बात याद रखिए टिप ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट में कभी भी मैं ये अगेन डोंट टेक इट रॉन्ग स्मार्ट वर्क इज मोर इट इट्स कंसिडर्ड मोर क्रिएटिव एज कंपेयर टू हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क ये होता है कि यू रियली नीड टू नो कि कैसे काम करवाया जाता है या काम को स्मार्टर मैनर में कैसे किया जाता है शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में बजाय इसके कि आप पूरी पूरी रात या पूरा पूरा दिन बैठकर काम कर रहे हैं एंड इन प्रोड्यूसिंग अ पीस दैट इज कॉल्ड हार्ड वर्क हार्ड वर्क के अपने फायदे हैं लेकिन मैनेजमेंट इस सिस्टम को बाय नहीं करती है हो सकता है कि स्मार्ट वर्क का एक कंपोनेंट हार्ड वर्क भी हो बीच में आप अगर खाम खामे स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं एंड हार्ड वर्क उसकी रिक्वायरमेंट और आप नहीं कर रहे तो यू आर अगेन रॉन्ग ठीक है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर हार्ड वर्क रिक्वायरमेंट है तो वो भी करनी पड़ेगी हार्ड वर्क की बुराई मैं नहीं करी वर्क इज अ गुड थिंग लेकिन अगर आप उस काम को मजीद बेहतर तरीके से क्रिएटिवली और रिसोर्सेज को यूज करते हुए कर सकते हैं तो डू इट लाइक दैट क्योंकि मैनेजमेंट असाइनमेंट हमेशा एंड रिजल्ट देखती हैं वो भी देखती हैं कि रिजल्ट क्या निकला अच्छी चीज क्या प्रोड्यूस हुई आप अगर चीख रहे हैं कि मैं सारी रात बैठ के एक करता रहा मुझसे नहीं हो पाया क्योंकि लाइट चली गई थी क्योंकि मेरा कंप्यूटर क्रैश कर गया नो बडी विल लिसन लोग इन चीज़ों पर अटेंशन नहीं देते वो एक्सक्यूज पर नहीं जाते उसके बावजूद उसके अलावा अगर एक बंदा स्मार्ट वर्कर के लिए गया लाइट चली गई तो बैकअप कहीं और था किसी और के घर पे किसी और के लैपटॉप पे काम कर लिया आ, सारी रात नहीं जागा थोड़ी देर भी जाकर काम हो गया क्योंकि एफिशिएंट तरीके से किया तो एंड रिजल्ट किसका बेहतर है स्मार्ट वर्क का तो यही बात होती है न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स प्रोसेस इनोवेशन आपको बताती है एक काम को करने का एक अच्छा तरीका मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको याद होगा एक आइसक्रीम वॉल्स की जब आई थी फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान तो व्हाट दे वर डूइंग एक चीज को सेल करने का तरीका है ना आइसक्रीम यूज टू तो बी सोल्ड इन स्टोर्स रिटेल स्टोर्स पर होती थी आप जाते थे आप पैसे देते थे फ्रीजर में से निकाल के ले आते थे उन्होंने सेल्स बढ़ाने का एक इनोवेटिव आइडिया प्रपोज किया वॉल्स आइसक्रीम ने उन्होंने कार्ट के साथ म्यूजिक लगा दिया उस कार्ट और म्यूजिक का कॉम्बिनेशन जो था उसमें यह हुआ कि एक तो एक्सेस आसान होगी लोगों तक चीजों की आइसक्रीम की एक्सेस आइसक्रीम इज नॉट अ नीड बेस्ड थिंग इट्स अ वांट बेस्ड प्रोडक्ट ठीक है आपको आप देखेंगे आपका दिल करेगा खाने का इट्स वेरी हॉट आपका दिल करेगा खाने का नहीं है तो यू विल नॉट इवन रिमेंबर दैट ठीक है अगर आपके सामने जिक्र नहीं हो रहा तो आपको याद भी नहीं होगी कि आइसक्रीम कोई चीज है तो वो क्या करते हैं आपको आके याद कराते हैं कि देर इज अ थिंग कॉल्ड आइसक्रीम इस मौसम में प्लीज ले लीजिए तो जब वो कार्ट और सायरन बचता है तो बच्चे ऑटोमेटिकली पहले पहुंचे हुए होते हैं स्ट्रीट्स में बैर कि हमको ये आइसक्रीम चाहिए सेल्स मार्जिन उनका ऐसे इतना बढ़ गया तो कि बाकी आइसक्रीम की डीलर्स ने भी इसको फॉलो करना शुरू कर दिया लेकिन इनोवेटर्स वर वॉल्स आइसक्रीम क्या है इट्स नॉट अ प्रोडक्ट इट्स अ प्रोसेस इनोवेशन एक काम को सेल्स को बेहतर करने का एक तरीका ठीक तो न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स इज कॉल्ड प्रोसेस इनोवेशन क्रिएटिविटी इज वेरी मच रिलेटेड विद इनोवेशन बट अ लिटिल बट डिफरेंट अ वे ऑफ थिंकिंग दैट जनरेट्स न्यू आइडियाज अब क्रिएटिविटी इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ इनोवेशन डिटर्मिनेंट क्या होता है जो एक चीज को लीड करता है क्रिएटिव थॉट्स में लीड टू इनोवेशन ये मैं आपको बता सकती हूँ क्रिएटिविटी एक कॉजिंग uh, फैक्टर है इनोवेशन के लिए जितना आप क्रिएटिव होंगे उतनी आपकी इनोवेशन का लेवल बढ़ेगा ये इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं ठीक सो so, एक नए तरीके से चीज़ों को करना इज द क्रिएटिविटी तो क्रिएटिव होना इज uh, इंपॉर्टेंट for doing the innovation in the products and processes. Creative process क्या होता है कि आप आप process है ना आप creative हैं तो आप ज़िंदगी की हर चीज़ में creativity ढूँढेंगे. The best possible ways of doing things. ठीक uh, है shortest possible manner में most efficient manner में smartest manner में आप चीजों को करना पसंद करेंगे. Creative process में क्या-क्या शामिल होता है कि preparation, incubation, and illumination and evaluation. Creative process मतलब ये वर्ड्स इसको जरा ज्यादा एक खौफनाक अदरवाइज इट्स नथिंग नैपरेशन क्या है कि आप क्रिएटिव uh, होना चाह रहे हैं आप एक काम को नए स्टाइल से करना चाह रहे हैं लेकिन कभी किसी ने किया नहीं तो शुड वी डू दैट और शुड वी डू नॉट डू दैट सो प्रेपरेशन एटलीस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट इंक्यूबेशन होती है कि एक नया आइडिया इंक्यूबेट करते हैं आप नए आइडियाज को जमीन देते हैं आप दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन इंक्यूबेटर्स uh, बनते हैं ना आपने कभी देखे होंगे कि इंक्यूबेटर्स एक आर्टिफिशियल टेम्परेचर uh, uh, होता है जिस पर चिक्स uh, uh, को रखा जाता है बेबीज को रखा जाता है सो दैट दे कैन ग्रो अपना इंक्यूबेशन टाइम पूरा करते हैं वो बर्थ का टाइम पूरा करते हैं राइट right? तो यहाँ आपके आइडियाज की बर्थ हो रही है आपके अंदर एक चीज फ्लोट कर रही है बहुत सारे टाइम्स पे ऐसा होता है कि आप एक चीज़ सुन रहे होते हैं और आपको दिल करता है कि हाँ ये काम ऐसे भी हो सकता है ये काम ऐसे भी हो सकता है, हो सकता है। लेकिन आप उन चीजों को एक्सप्रेस करने में इम्प्लीमेंट करने में झिझक महसूस करते हैं इसलिए कि या आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते या आप शाय हैं उनको करने में एक्सप्रेस और या आपको लगता है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा तो ये रीजन्स हैं आप बोलते ही नहीं है तो इनक्यूबेशन एंड इल्यूमिनेशन की कि यू प्रिपेयर यूर सेल्फ एंड देन ब्रिंग इट ऑन सर्फेस एट लीस्ट डिस्कस तो करें रिजेक्ट हो जाता है डजेंट मैटर रिजेक्ट ही हो रहा है ना आपने आइडिया तो प्रपोज किया था अब वो हो रहा है नहीं हो रहा इट्स अप टू दी पीपल इट्स अप टू आप दे रहे हैं तो तो इल्यूमिनेट करें ना लाइट तो उस पर थ्रो करें थोड़ी हो सकता है किसी को इससे इतना फायदा हो जाए कि वो इम्प्रेस होकर आपको अपना क्रिएटिव सेक्रेटरी बना ले क्रिएटिव सेक्रेटरी मीन्स की क्रिएटिव इंप्लॉय की जॉब आपको दे दे जो इनक्यूबेशन सेल्स में होती है ठीक है एंड इवेलुएशन फाइनली यू इवेलुएट को करने में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं हवा में तीर मत छोड़े कि सर इसको ऐसे कर लें इसको ऐसे कर लें सोचिए कि अगर ऐसा हो तो वो किन किन चीजों को आ, अफेक्ट कर सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन है थ्री एम आपने भी सुनी होगी थ्री एम इज अ वेरी फेमस ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन इनका स्लोगन है इनोवेशन इनका मिशन है इनोवेशन 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 इनके हर वॉल पर ये लिखा है क्योंकि दे रियली वॉन्ट देर एम्प्लॉइज टू इनोवेट क्या करते हैं ये रोजमर्रा की चीजें बनाते हैं ये थ्री एम के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं आपने देखे होंगे कि स्कॉच ब्राइट इनका एक ब्रांड है ठीक है आ, डेली लाइफ की चीज़ों को ये बनाते हैं क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स बनाते हैं आ, देन आ, फ्रेग्रेंस के प्रोडक्ट्स बनाते हैं वाशरूम बेस्ड चीज़ें बनाते हैं ये चीज़ें जिनकी नॉर्मल लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं है ये क्या करते हैं कि एक माइंड यूज़ करते हुए ये उन फॉर एग्जाम्पल फीमेल खावतीन ज़्यादातर सफाई के साथ रिलेटेड होती हैं राइट right? उनसे जाकर बातचीत करते हैं और उनको अपनी टीम्स में शामिल करते हैं कि वट यू थिंक कि अगर एक बर्तन को ऐसे धोना है तो वो किस तरीके से बेहतर हो सकता है राइट फ्री व्हीलिंग कर रहे माइंड की तो ये जो पहले एक सॉफ्ट सस्पॉन्ज आया था सॉफ्ट स्पॉज से बर्तन साफ होते हैं एक हार्ड स्पॉन्ज वो लेकर आए हार्डेस्ट स्पॉन्ज फिर उसके बाद लेकर आए उनको लगा कि उससे बर्तन बेहतर साफ होते हैं उसके बाद उनको लगा कि लेमन का इफेक्ट देने से चीजों की सफाई बेहतर होती है उसके बाद वो फर्नीचर की सफाई के लिए और नई नई चीजें लेकर इसको तो वो फर्श की क्लीनिंग के लिए वो वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हमारे यहाँ इतना ट्रेंड नहीं ना खुद घर साफ करने का इफ यू गो टू अमेरिका इफ यू गो अब्रॉड वेस्ट में लोग खुद सफाई करते हैं राइट आई स्टेड इन यूनाइटेड स्टेट फॉर सिक्स इज एंड आई यूज टू क्लीन माई होम आई सेल्फ ठीक है अब एक फ्लोर को क्लीन करने के लिए वो हर छह महीने बाद एक नई प्रोडक्ट लेकर आते हैं होता क्या है कि प्रोडक्ट से घर की सफाई हो या ना हो पीपल आर सो फेड अप ऑफ क्लीनिंग कि उनको वो चाहते हैं कुछ नया मिले जिससे शायद कुछ बेहतर हो जाए एटलीस्ट द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग शुड बी प्लेजरेबल फॉर देम ये आप तब तक महसूस नहीं कर सकते जब तक आप इस काम को करते नहीं है ठीक है आप एक काम कर रहे हैं आप उसको कर रहे हैं आपको एक नई प्रोडक्ट आप जाते हैं स्टोर पर आपको एक नई प्रोडक्ट नजर आती है कि ओके दिस थिंग इज न्यू फॉर क्लीनिंग नई फ्रेग्रेंस ही हो जाए नई तो है ना तो आप देखेंगे उनके जो साफ करने के ब्रशेज होते हैं वो प्लेन ब्रश होता है उसमें लिक्विड्स डले हुए होते हैं लिक्विड्स को प्रेस करेंगे स्पॉन्जेस से आपका फट साफ होगा फिर उसमें फ्रेग्रेंसेज होंगी फिर उसमें वाटर के स्प्रिंकल्स अलैद होंगे क्या हो रहा है इनोवेशन हो रही है एक सफाई के प्रोसेस क्या है सफाई का प्रोसेस की वैल्यूज दुनिया में नथिंग जीरो लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया की टॉप की ऑर्गेनाइजेशन में आती है वो क्या करती है कि एक प्रोसेस को आगे तक जाके सोचती है कि एक सफाई का प्रोसेस क्लीनिंग का प्रोसेस वो ऑब्ज़र्व करते हैं लोगों को खुवान को ऑब्ज़र्व करते हैं उनको ड्यूटीज़ असाइनमेंट दी जाती हैं कि आप उनको ऑब्ज़र्व करें कि खातिन के लिए और या वो लोग जो सफाई करते हैं नॉट नेसेसरली खातन वो मर्द हजरात भी जो सफाई के शोबे से मुंसलिक हैं उनको क्या चीज़ एक्साइट कर सकती है तो वो वो प्रोडक्ट्स फ्यूचर को वो वो प्रोडक्ट्स इनोवेट करते हैं जो कि एक बंदा फ्यूचर के लिए सोच सकता है फिर जब वो प्रोडक्ट्स मार्केट में आती हैं और आप एज ए कस्टमर स्टोर पर जाकर उस प्रोडक्ट को देखते हैं तो आप कहते हैं वाओ ये वो चीज़ थी जिसके लिए मैं सोचती थी कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या बात है और ये चीज आज मेरे सामने है राइट तो वो फ्यूचर थिंकिंग करते हैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नॉर्मल सी चीज है दुनिया की क्लीनिंग उस प्रोसेस को वो बेहतर बनाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का स्लोगन देखिए इनोवेशन इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ एप्पल इनोवेशन करेगा या सोनी इनोवेशन करेगा या डेल इनोवेशन करेगा नो एनी थिंग कैन बी इनोवेटिव मेरे लेक्चर देने का स्टाइल कैन बी इनोवेटिव इट इज नॉट इनोवेटिव एनी वे इट कैन बी किसी भी चीज में इनोवेशन ले आइए पीपल विल एंजॉय दैट पीपल विल बाय दैट ये वो बात कर रहे हैं कि क्रिएटिविटी को कहीं स्टॉप ना कीजिए आपके अपने पर्सनल यूज के लिए कितना फायदा वो देगी कि आप एक चीज को नए तरीके से कर रहे हैं जो कोई और लोग नहीं कर रहे हैं आप देखते छोटे छोटे टोटके बने होते हैं ये क्या होता है ये क्रिएटिविटी होती है इस चीज को इस तरीके से करेंगे तो बेहतर हो जाएगा इस चीज को इस तरीके से करेंगे और तो बेहतर हो जाएगा तो दिस इज ऑल कॉल्ड क्रिएटिव प्रोसेसिंग ऑफ थिंग्स ठीक है तो इनोवेशन कैन बी अप्लाइड

डिस्क्रिप्शन uh, दे रहे हैं कि प्रेपरेशन के स्टेज में बिकम फेमिलियर विद द प्रॉब्लम जनरेट एज मैनी ऑल्टर एज पॉसिबल प्रेपरेशन है ना प्रेपरेशन में तो कुछ भी कर दें फ्री व्हीलिंग है जनाब जितने आ रहे हैं सोचिए है, दिमाग लड़ाइए और आइडिया का पास आसान कर दीजिए इनक्यूबेशन इन इल्यूमिनेशन जिसमें आप आइडिया को फरोख देते हैं जन्म देते हैं ठीक है टेक सम टाइम बिफोर वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम अगेन टू गेन एडिशनल इनसाइट उस पर और काम कीजिए अभी उसको सर्फिस पर लेकर मत आइए उसके ऊपर और काम कीजिए आईडी को फ्लरिश करने में प्रोस एंड कॉन्स ढूंढिए अगर ये किया तो ये हो जाएगा ये किया तो ये हो जाएगा ये किया तो यू होगा प्लसेस भी माइनसेस भी दोनों को इनसाइट मजीद दीजिए ताकि आपका काम आगे बेहतर तरीके से फ्लरिश कर सके थर्ड स्टेज में यू इवेलुएट बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द सोल्यूशन इवेलुएट दल्टरनेटिव टू बी श्योर इट इज प्रैक्टिकल ठीक है बिफोर यू इम्प्लीमेंट दोल्यूशन जो आप प्रपोज कर रहे हैं अपनी प्रेपरेशन और इनक्यूबेशन एंड एलिमिनेशन में उसको एवेलुएट करें ऑल्टरनेटिव को दोबारा टू बी श्योर कि इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल कि प्रैक्टिकली ये चलेगा प्रॉब्लम चलेगा ठीक है ना um, अब इसकी सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको फिर देती हूँ कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत बनती हैं ये पॉलिसी है अब वो पॉलिसी है बजट इतना दे दिया बलदयाती सिस्टम आ गया देन गवर्नेंस um, uh, के सिस्टम्स अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम्स नए नए इम्प्लीमेंट कैसे होंगे इस बारे में कोई नहीं सोचता ठीक है ना इम्प्लीमेंटेशन इज द मेन जॉब आप ये तो देखें ना कि जब आप उनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनमें क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान होंगे मैंने आपको कुछ दिनों पहले की एग्जाम्पल दी थी कि नाइनटीन में जब नवाज गवर्नमेंट पहली दफा आई पहली दूसरी दफा आई थी राइट तो उन्होंने एक मैंडेट uh, दिया था कि शादियों पे खाना रोक दिया जाए तो उससे उस वक्त वो एक सिर्फ फैसला था उन्होंने स्टेज थ्री पे इतना गौर नहीं किया जिसको इवेलोशन बोलते हैं उन्होंने ये नहीं देखा कि इसको करने से क्या क्या अफेक्ट होगा मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत था उसके पॉजिटिव फैक्टर्स बहुत ज़्यादा थे बट उसके नेगेटिविटीज़ भी बहुत थी इकोनॉमी में बहुत शदीद फ़र्क पड़ा क्योंकि बहुत सारे बिजनेस जो थे वो फ्लॉप हो गए स्टॉप हो गए जिसमें से लाइव जो प्रोडक्ट्स हैं चिकन का बिजनेस पोल्ट्री का बिजनेस शादी घर का बिज़नेस बिजली का बिजनेस लाइटिंग का बिज़नेस ये सब केटरिंग का बिज़नेस सब बर्बाद हो गए थे ठीक हालांकि चूंकि ये सारे बिज़नेसेस सप्लाई एंड डिमांड से चलते हैं तो सप्लाई सिर्फ ऑन सरफेस खत्म हो गई थी सॉरी डिमांड तो उससे सप्लाई भी इफेक्ट हो गई राइट तो उसको देखभाल कर गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी जब बनाएं तो उनको दे, बगैर देखे भी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते कि पॉलिसीज बनाना तो आसान है जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या क्या चीज़ अफेक्ट होगी अब नाइन इलेवन से पहले किसको पता था कि उसकी पूरी दुनिया को लपेट में ले लेगा अब आप देखें आजकल के दस साल या दस पंद्रह साल में जो सॉरी uh, दस बारह साल में जो आफ्टर इफेक्ट उसके हुए हैं वो किसने सोचा था कि कहाँ से एक वॉर से क्या दूसरी वॉर निकलेगी फिर तीसरी वॉर निकलेगी इट इज एन मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप ऑफ वॉर गोइंग ऑन ठीक है तो आपको अपने आइडियाज uh, को प्रैक्टिकली इवेलुएट करना है बिफोर यू ऑफिशियली लॉन्च इट ओके अब ये देखिए जी ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या क्या चीजें हैं जनाब जो आपको माइंड में रखनी है बिफोर यू इवेल्युएट के एक एक प्रोजेक्ट या एक याटिव की क्या वर्थ है टाइमलीनेस क्वालिटी कंप्लीटनेस एंड रेलेवेंस टाइमलीनेस एज द वर्ड इज डिस्क्राइबिंग के हर चीज को टाइम पर करें ना बहुत जल्दी ना बहुत देर जल्दी में भी बेटर कि आप पहले से सोच रहे हैं कि जब ये आएगा तो इसको ऐसे होना चाहिए यू हैव टाइम टू थिंक मोर अबाउट इट लेकिन देर मत कीजिए अगर टाइम गुजर गया तो इट्स यूजलेस वर्किंग ऑन द सेम आइडिया क्वालिटी मीन्स द एक्यूरेसी एक्यूरेसी आइडिए की होनी चाहिए क्वालिटी मीन्स के उस 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 आइडिए की uh, वर्किंग अफेक्ट ना हो उसके जो रिजल्ट है वो अफेक्ट ना हो उसके साइड से जो अल्टरनेटिव उसके साथ और डिस के साथ अटैचड है वो अफेक्ट ना हो दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी कम्प्लीटनेस अमाउंट कभी भी एक फैसले को करते हुए उसकी इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी या कम्प्लीटनेस पर कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए कि आपने आज ही फैसला कर दिया कि हमने स्टॉक इतने का बेचना है मार्केट में आपको भी पता नहीं कि आपके जो बिल्कुल स्ट्रॉग कम्पेटिटर्स हैं वही आपके स्टॉक को बहुत ज्यादा हाई प्राइस पर लेकर आ गए ठीक है तो यू रियली नीड टू डू योर होमवर्क वेल कभी भी, भी बगैर छोटी सी भी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास मिसिंग है तो उसके रिस्क पर डिसीजन मत लीजिए वेट फॉर द इंफॉर्मेशन डू योर होमवर्क मेक पीपल वर्क फॉर यू लेकिन कॉम्प्रोमाइज मत करें तो हमारे साथ वो मैं बता रही हूं डिलेमा ही होता है ये कि ठीक है देखा जाएगा अभी इसको जमा करो अभी इसको आगे गुजारो बाद में देखा जाएगा तो ये चीजें अफेक्ट करती हैं इस सारे प्रोसेस को रेलेवेंस रेलेवेंट होनी चाहिए विच uh, मीन्स के अगर आपकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग का प्रोसेस ठीक है लेकिन रेलिवेंट uh, ही नहीं है आपके ओवरऑल सिस्टम के साथ आप किसी और चीज़ को किसी और के साथ मैच कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आप प्रिंट uh, मीडिया uh, की एक न्यूज़ को आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ फिट कर रहे हैं कि ये हो गया तो हम इसको कब और कैसे करेंगे आप मैनुअल uh, वर्जन को ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक वर्जन के साथ मिक्स नहीं कर सकते राइट right? तो इन्फॉर्मेशन एक इंडस्ट्री की उठाकर अगर आप किसी और इंडस्ट्री के लिए यूज करेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम होगी हर इंडस्ट्री का फर्क होता है uh, पूरा सिस्टम उसको uh, चलाना ओके सो रेलिवेंस i hope it is understandable now. Ke relevance means the idea should be uh, compatible with the ongoing problem. is um, kira. Uh, problem ko galat cause attach karna is always a, um, an issue. so you generate alternatives as many as you can, but the relevance of the things is, is, is very, very important. okay. Um, okay. ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निकट फर्स्ट क्रिएटिविटी अब ये देखिए जी ग्रुप डिसीजन मेकिंग है ग्रुप सारे इन्वॉल्व हैं इसमें से ये पांच टेक्निक्स दी गई हैं जिसमें से कोई भी इंडिविजुअल ग्रुप सॉरी कोई भी इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग टेक्निक नहीं है विच मीन्स के सब में आपको uh, लोगों को इन्वॉल्व करना है या लोग ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हैं सही सो so, कौन सी पांच टेक्निक्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक एन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग राइट सो ये जो आप स्लाइड पर देख रहे हैं ये पांच टेक्निक्स हैं अगर आप इनको यूज करें और क्रिएटिविटी का लेंस यूज करें तो इट कैन लीड टू इनोवेशन ठीक है इनोवेशन इज नॉट अ स्मॉल वर्ड जितना डिस्क्रिप्शन में आसान लगता है उतना आसान नहीं होता बिकॉज यू आर एक्चुअली फ्लोटिंग अ न्यू आइडिया सो न्यू आइडिया की इंट्रोडक्शन उसके इम्प्लीमेंटेशन इट ऑल्सो हैज इट्स प्लसेज एंड माइनसेस जिसमें माइनसिज के चांसेस ज्यादा होते हैं बिकॉज यू रियली नीड टू हैव समथिंग विच वॉज नॉट एग्जिस्टिंग अर्लियर ठीक है तो आपको इन सब चीजों के साथ क्रिएटिविटी का लेंस यूज करना पड़ता है लेट सी वन आफ्टर एन अदर कि कैसे ये क्रिएटिव ऑल्टरनेटिव जनरेशन में ये टेक्निक आपको हेल्प आउट करती हैं ब्रेन स्टॉमिंग ब्रेन स्टॉमिंग पहली टेक्निक है ई मस्ट से एक ऐसा लव्ज है जिससे हर कोई फेमिलियर है राइट आप लोगों को भी पता होगा कि ब्रेन स्टॉम करने का क्या मतलब होता है कि इट्स प्रोसेस ऑफ सजेस्टिंग मैनी पॉसिबल ऑल्टर विदाउट इवेलुएशन आपने कभी ब्रेन स्टॉम किया है अगर नहीं किया तो आज जरूर ट्राई कीजिएगा ब्रेन स्टॉम होता है कि जस्ट टेक अ पेपर एक एक अपना कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कीजिए ठीक है उस राइट right प्रॉब्लम जैसे कि हमने डिस्कस किया कि उसके कॉजेस ठीक होने चाहिए

ठीक है जितने ऑल्टरनेटिव आप निकाल सकते हैं निकाले दस के करीब पंद्रह के करीब उनको डाल दीजिए पेपर पे विच दिस इज कॉल्ड ब्रेन इसमें गलत सही मजाहिया हर चीज शामिल होती है जब आप ग्रुप में ब्रेन करते हैं तो आप एक लोगों को आइडिया बताते हैं कि सी दिस इज द प्रॉब्लम इस चीज को सॉल्व करने के लिए जितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो सब लेकर आइए और भूल जाइए कि किसी को पसंद आएगा नहीं आएगा नहीं पसंद आएगा हम डिस्कार्ड कर देंगे लेकिन आइडियाज लिखें जितने हो सकते हैं आपसे लोग फ्री व्हील करते हैं लोग माइंड को ओपन छोड़ के जो समझ में आता है लिखना शुरू कर देते हैं फिर उसके बाद आप उन चीजों को जब डिस्कस करते हैं तो कई आइडियाज ऐसे होते हैं जो बहुत हवनक महसूस हो रहे होते हैं इन द बिगनिंग लेकिन इवेंचुअली वही आइडियाज सेलेक्ट होके आपके इम्प्लीमेंटेशन सेल पे चले जाते हैं तो ब्रेन इसको बोलते हैं इट इज ऑलवेज वेरी हेल्पफुल इंस्टॉमिंग आप भी कीजिए कभी एक प्रॉब्लम बीच में बनाइए उसके फिर आप साइड पे आ, शाखें निकालते हैं उसके फिर देखते हैं कि ये है ये है ये है ये है फिर आप उसके डिस्कस करके उसमें जो पॉसिबल होते हैं सोल्यूशन आप उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं साइनेटिक्स एक और प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग नॉवल ऑल्टर थ्रू रोल प्लेइंग इन फैंटिसाइजिंग ये इंटरेस्टिंग प्रोसेस है इसमें यू जनरेट द नॉवल ऑल्टर बाय प्लेइंग द रोल ऑफ द प्रॉब्लम मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया कि थ्री की एग्जाम्पल आपसे डिस्कस की ठीक है थ्री एम अब अगर क्लीनिंग से रिलेटेड सोलूशन आपको देता है तो उसके लिए इतना ये डेली लाइफ के प्रोसेस होते हैं कि उसमें वो घरों पर जाकर आपको हाउस uh, को क्लीन करना गाड़ी को क्लीन करना बर्तनों को क्लीन करना वाशरूम को क्लीन करना किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं वो आपको रोल प्ले दे सकते हैं वो आपको अपने यूनिट पर इन्वाइट कर सकते हैं आपको बोलेंगे कि आप इसको आ, ये रोल प्ले आप इसको प्ले करें या आपको कहेंगे कि दिस इज द फ्लोर क्लीन इट आपको उसके ऑब्वियसली दे दे पे यू फॉर दैट, वो कहते हैं इसको क्लीन करें जब आप क्लीन करते हैं तो आपसे पूछते हैं आपको क्या क्या प्रॉब्लम हुई आपको ऑब्जर्व करते हैं आपकी मूवीज़ बनाते हैं ये सब कुछ उनकी अंडरस्टैंडिंग में होता है कैसा होगा लेकिन उसको ऑब्जर्व करते हुए वो, वो देखते हैं कि इससे क्या क्या सोल्यूशन निकल सकते हैं एक बंदे के काम करने के स्टाइल में वो क्या क्या चीज़ें यूज करता है या क्या, क्या क्या करना चाहता है जब वो क्लिनिंगली देते हैं तो वो हजार चीज़ें उसके आसपास रख देते हैं फिर वो देखते हैं कि वो बंदा पहले क्या उठाता है बाद में क्या उठाता है उसके पूरे प्रोसेस में क्या शामिल होता है उसके हिसाब से फिर वो आइडियाज़ को जनरेट करते हैं इसमें बहुत एक मशहूर केस था कि के, बेबीज़ के लिए जब आप मैकडोनल्ड्स जब अपना उन्होंने ये फूड का सिस्टम स्टार्ट किया तो उन्होंने बेबीज के लिए बच्चों के लिए जब इसका एक सेक्शन स्टार्ट किया अब तो मैकडोनल्ड्स का किड्स मेन्यूज उनके बर्थडे सेक्शन और ये सब कुछ बहुत मशहूर हो गया लेकिन उन्होंने जब स्टार्ट किया था तो उन्होंने पेरेंट्स को इन्वाइट किया था और उन्होंने कहा था कि आप बच्चों को यहाँ खेलने के लिए छोड़ दें हम देखना चाहते हैं वो कैसे खेलते हैं और उनके खेलने के लिए हमको क्या क्या चाहिए क्योंकि हम किड्स जोन तैयार कर रहे हैं हम किड्स वैल्यू मील्स तैयार कर रहे हैं हम किड्स के तो हम देखना चाहते हैं कि किड्स को क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं क्या कर रहे हैं कोई रोल प्लेइंग करवा रहे हैं फैंटिसाइज कर रहे हैं कि वो चीजें जो बच्चों की फैंटसीज में सिट uh, करती हैं उनकी सिंकिन होती है उनकी फैंटसीज में बच्चों को क्या चाहिए होता है बच्चों को जो आप एक मैकडोनल्ड uh, uh, का किड्स uh, मील देखते हैं ना उनको खाने में लीस्ट इंटरेस्ट होता है उनको ज्यादा इंटरेस्ट किस चीज में होता है उस टॉय के साथ जो उसके साथ अटैच होता है दे आर लीस्ट बॉडर्ड के मेन्यू में बर्गर है फ्राइज हैं कुछ है दे डोंट केयर दिंग दैट दर अबाउट द मोस्ट इज द टॉय दैट कम्स विद द पैकेज उनको उसी टॉय में इंटरेस्ट होता है उसी टॉय के साथ उसको लेकर खुश होते हैं तो ये ये टॉय का कॉन्सेप्ट भी वहीं से स्टार्ट हुआ था तो ये दिस इज कॉल्ड साइनेटिक्स। आपको समझ नहीं आता जब ये मार्केटिंग की जब आप फील्ड अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कस्टमर ओपिनियंस लेने के लिए किस कदर क्रिएटिव आपको होना पड़ता है यू रियली नीड लॉट्स ऑफ आइडियाज यू रियली नीड लॉट्स ऑफ आल्टरनेटिव तो वो इस तरह से रोल प्लेइंग इन फैंटिसाइजिंग से आपके सामने आते हैं नॉमिनल ग्रुपिंग होती है स्ट्रक्चर्ड वोटिंग मैथड ठीक है listing, ranking, अब आप ये कि नॉमिनल ग्रुपिंग हो रही है आप एक ग्रुप को बिठा देते हैं आपके साथ जो भी लोग उस प्रोसेस में शामिल हैं आप उनसे पूछते हैं कि अच्छा जी आप उनको बोलते हैं कि बताइए ऑल्टरनेटिव बताइए या आप कहीं जॉट डाउन करते हैं या आप रिकॉर्ड करते हैं फिर आप उसमें से उनकी क्लैरिफिकेशन लेते हैं कि क्या डिड यू रिली मीन लाइक दैट क्या इस क्लैरिफिकेशन का मतलब उनसे पूछते हैं कि आपने जो ये बात की है क्या इसका मतलब ये है फिर उसको रैंकिंग करते हैं कि ओके okay, जी नंबर वन पे हम ये प्रॉब्लम लेकर आते हैं नंबर टू पे हम ये थ्री फोर फाइव रैंक आउट करते हैं एंड देन वोट करते हैं आप उसको आप लोगों से जो उस प्रोसेस में शामिल है लोग उनसे वोट आउट करवाते हैं कि कितने लोग ऑल्टरनेटिव वन के लिए कितने बी कितने सी कितने डी कितने ई जितने भी ऑल्टरनेटिव हैं उसमें आप वोटिंग करवाते हैं और ऑब्वियसली जो बंदा एक के लिए वोट करता है वो दूसरे के लिए वोट नहीं करता ठीक है तो ये ग्रुप जो आपका शामिल है उसमें आप ग्रुपिंग्स में आप ये तरीके निकालते हैं और उसमें वोट आउट करवाते हैं फाइनल डिसीजन लेने के लिए कंसेंसस मैपिंग जिसको रिंगी भी बोलते हैं प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ग्रुप अग्रीमेंट ऑन सोलूशन टू अ प्रॉब्लम अगेन आप एक ग्रुप का अग्रीमेंट ले रहे हैं। आप एक ओ, लोगों से पूछ रहे हैं हाँ जी बताइए आप बताइए आप को लगता है ओके okay, जी आपका ये ख्याल है इसमें ये ये प्रॉब्लम है आपका ये ख्याल है ओके ये प्रॉब्लम है तो फिर वट वट शुड बी दोल्यूशन लोग कहते हैं okay, हमें ये लग रहा है I mean, सर्फेस पर रहते हुए जनरल ले लिया जाता है अब सवाल ये पैदा होता है कि कंसेंसस मैपिंग और नॉमिनल ग्रुपिंग में क्या फर्क होता है नॉमिनल ग्रुपिंग जो अभी हम बात कर रहे थे कि आप ऑल्टरनेटिव uh, लेते हैं रैंक करते हैं क्लैरिफिकेशन लेते हैं फिर फाइनल करते हैं फिर वोट लेते हैं तो नॉमिनल ग्रुपिंग और कंसेंसस मैपिंग इसमें सिर्फ ये फर्क है कि नॉमिनल में ग्रुपिंग में आप वोट लेते हैं कंसेंसस में आपको वोट नहीं लेते नॉमिनल ग्रुपिंग में अगर मैक्सिमम वोट्स आपके एक ऑल्टरनेटिव की तरफ आ गए जिसको आप इवन एज ए मैनेजर पसंद नहीं कर रहे तो भी आपको उसी वोटिंग डिसीजन के साथ जाना पड़ेगा जिसके लिए मैक्सिमम वोट्स आए आप उससे हट नहीं सकते कंसेंसस मैपिंग में ये आपको फायदा है कि इफ यू आर अ मैनेजर एंड यू आर नॉट लाइकिंग वन ऑल्टरनेटिव तो आप थोड़े से ऊंच नीच करके उसके प्लसेज माइनसेज डिस्कस करके उस डिसीजन को अपने हैंड पर ले सकते हैं अगर आपको लग रहा है एज ए मैनेजर की ये वर्थफुल सोल्यूशन नहीं है और लोगों को शायद इतनी समझ नहीं है तो फिर आप उस डिसीजन को एक एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ फाइनल कर सकते हैं लोगों के कंसेंसिस की नजर में ही लेकिन नॉमिनल में आपको वोटिंग अगर ले ली और एक लीस्ट प्रेफर्ड सोल्यूशन के साथ लोगों ने वोट दे दिया तो देन दैट तो ये ध्यान रखिए डेल्फी टेक्निक एक फाइनल टेक्निक है जिसमें ये होता है कि द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ सीरीज ऑफ कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन अ सोल्यूशन अब आप क्या करते हैं एक प्रॉब्लम है ठीक है आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और आप ओपनली उसको डिस्कस नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि यू हैव टू सॉल्व दैट उसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं आपकी राय पूछी जाती है आपसे कंडीशंस पूछी जाती हैं कॉजे पूछे जाते हैं तो सब लोग उस क्वेश्चन को फिल करके देते हैं और उसकी बेस पर आप देख लेते हैं कि आ, ये ये सिचुएशन सामने आई है ऐसा होता है कि आपको एक फीडबैक लेने के बाद दूसरा क्वेश्चन फ्लोट करना पड़ता है उस फीडबैक के ऊपर तो पहले आप एक, एक राय लेते हैं लोगों से उसकी फीडबैक जमा होती है उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन भी फ्लोट करना पड़ सकता है तीसरा भी करना पड़ सकता है अगर पहले में ही बात खत्म हो गई आपको समझ में आ गया तो यू टेक द दोल्यूशन यू टेक द डिसीजन बेस्ड ऑन वट या लोगों की जो भी फीडबैक है उसकी बेस पर अगर आपको दूसरा क्वेश्चन है फ्लोट करना पड़ता है तो देन यू डू दैट दिस इज कॉल्ड डेल्फी टेक्निक थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल रहते हुए आप लोगों की राय लेते हैं एंड देन यू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द क्वेश्चन ठीक है सो ये पांच टेक्निक है आप देख लें आपको अपने डिसीजन मेकिंग के लिए किस किस्म की टेक्निक की जरूरत पड़ सकती है ये हमारी uh, एप्लीकेशन है जो अभी हमने मेथड्स डिस्कस किए हैं उसको अप्लाई करते हैं अब अब देखते हैं कि आपको कितनी समझ है। level, में आई ये अपर लेवल ये पांच टेक्निक्स मैं एक तो फिर रीड आउट कर देती हूँ ब्रेन स्टॉमिंग है साइनेटिक्स है नॉमिनल ग्रुपिंग है कंसेंसिस मैपिंग है एंड डेल्फी टेक्निक है रीड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली ओके अपर लेवल मैनेजमेंट वॉन्ट्स टू डिवेलप सम न्यू टॉयज they called in a consultant who is leading groups of employees and children together to come up with the ideas कम अपे तो हमने डिस्कस किया था अभी मैंने आपसे मैकडोनल्ड का केस डिस्कस किया था मैंने आपसे क्लीनिंग का केस डिस्कस किया था नाउ अब टॉयज की बात आ गई है तो ये कौन सा है बताइए आप जी सही साइनेटिक्स जिसमें ये फैंटेसाइज करते हैं लोग आते हैं आपके पास आपको बताते हैं कि ये ही चीजें इस चीज के लिए चाहिए हो सकती हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं द डिपार्टमेंट सफरिंग फ्रॉम मोर ऑल प्रॉब्लम एंड द मैनेजर डज नॉट नो वट टू डू अबाउट इट ठीक है मोरल प्रॉब्लम्स हैं जी मोरल डाउन है लोगों के मोटिवेशन नहीं है लोगों में काम करने की और मैनेजर को नहीं पता चल रहा कि वो इसको कैसे फिक्स करे अब इसमें कौन सा तरीका यूज करना चाहिए इट्स साइनेटिक्स नॉमिनल ग्रुपिंग्स तो नहीं होंगे इसमें इट कैन बी द्रेन स्टॉर्मिंग और इट कैन बी देंसेज मैपिंग एज वेल ओके होल्ड ऑन इसमें आई थिंक डेल्फी टेक्निक इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वाई बिकॉज मोरल प्रॉब्लम है लोग खुल के बोलना नहीं चाह रहे ठीक है uh, ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग और कंसेंसिव मैपिंग की मैं बात कर रही थी इसलिए नहीं अप्लाई हो सकते क्योंकि इसमें uh, लोगों को आपको सामने कुछ ना कुछ उनको प्रेजेंट करना है कि उनके मोरल्स क्यों डालना है लोगों के मोरल तब डाउन होते हैं जब दे आर नॉट मोटिवेटेड एंड दे आर रिलेक्टेंट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ मैनेजर्स वो सामने बोलने से डरते हैं अपनी असल वजह नहीं बताते डी की और वो मोरऑल का प्रॉब्लम चलता रहता है पूरे डिपार्टमेंट में तो करना क्या चाहिए अब इस सिलसिले में कि लोगों का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और उनकी समझ भी आ जाए कॉजेज तो फिर बेहतर तरीका कैन बी डेल्फी टेक्निक सीरीज ऑफ सीक्रेट क्वेश्चनर उनको भेज दिए जाए कि खुलकर बताइए जी कि उस पर नाम नहीं होते क्वेश्चनर पे तो उससे पता नहीं चलता कि किसने क्या फीडबैक दिया है राइट तो इस तरीके से आपको सामने ये पता चल सकता है कि लोगों के मोरल डाउन होने की वजह क्या है वो क्यों नहीं आ, चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाह रहे क्यों एबसेंटिजम इतनी ज़्यादा है क्यों आ, रोज लेट आते हैं या क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे करके तो फिर वो लोग जो वजह बताते हैं उस पर काम करके आप इसको कर सकते हैं सो डेल्फी टेक्निक इज द मोस्ट अप्रोप्रियट टेक्निक फॉर दैट manager must choose new matching desks for the 10 employees in the office. <laughs> manager must choose new matching desks for the 10 employees in the office. i don't think so. okay, brainstorming. i don't think so. synetics i don't think so. nominal grouping. consensus mapping is the most appropriate option. Uh, okay. which style is more uh, सुटेबल या अप्रोप्रिएट या लाइकेबल बाय ऑल पीपल बेंचिंग डेस्क उन्होंने लेने इतना बिग डील इतना बड़ा मसला नहीं है तो कंसेंसस मैपिंग से काम निकल सकता है उनसे पूछ लीजिए जो ज्यादा कंसेंसस दे रहे हैं ऊपर ऊपर से जो बात सही लग रही है वो फाइनल कर लीजिए मैनेजर वांट्स टू रिड्यूस वेस्ट इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू कट कॉस्ट्स एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी हां जी अब uh रिड्यूस मैनेजर वॉन्ट्स टू रिड्यूज वेस्ट वेस्ट है जी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के काफ़ी ज़्यादा टू कट कॉस्ट है उसको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है वेस्ट रिड्यूस करने के लिए चूंकि जो लोग वहाँ हैं उनको पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं सो so, आप ब्रेन स्टॉम करवा सकते हैं उनसे राइट तो ब्रेन स्टॉमिंग इज के जनरेट एज मैनी ऑल्टरनेटिव एज इट इज पॉसिबल सो दैट पीपल शुड कम अपल्दी सोलूशंस के किस तरीके से um, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है किस तरीके से वेस्ट रिड्यूस की जा सकती है ठीक है सो ब्रेन स्टॉमिंग कैन बी अ वैलिड एप्लीकेशन टॉप मैनेजर्स वांट टू प्रोजेक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स इन द बैंकिंग इंडस्ट्री एज पार्ट ऑफ देयर लॉन्ग रेंज प्लानिंग टॉप मैनेजर्स दे वॉन्ट टू प्रोजेक्ट द फ्यूचर ट्रेंड्स इन द बैंकिंग इंडस्ट्री फ्यूचर ट्रेंड्स जी पास ऑन करना चाह रहे हैं वो एज पार्ट ऑफ देयर लॉन्ग रेंज प्लानिंग फ्यूचर ट्रेंड्स क्योंकि इतने uh, आसान नहीं है आई I मीन mean, आपको प्रोजेक्शन देनी है कि आगे क्या होगा उसकी बेस पर अपने डिसीजन लेने हैं तो इतनी वॉलेटाइल होती है ये इंडस्ट्री बैंकिंग uh, uh, की कि उसकी बेस पर फॉर एग्जांपल आज का इंटरेस्ट रेट इतना है कल इतना हो जाएगा तो उसकी बेस पर लॉन्ग रेंज प्लानिंग आपको करनी है तो यू रियली नीड द राइट डिसीजंस तो हा अबाउट दैट इसका इसके साथ एक राइट आंसर इज अटैच्ड व्हिच इज आप बताइए हम्म जी नॉमिनल ग्रुपिंग नॉमिनल ग्रुपिंग क्यों है इसलिए कि नॉमिनल ग्रुपिंग आप आपको याद है कि यू जनरेट ऑल्टरनेटिव्स देन यू आस्क देम कि व्हाट डज दैट मीन क्लैरिफिकेशन लेते हैं एंड देन यू वोट यहाँ वोटिंग आप ले रहे हैं क्योंकि डिसीजन बहुत ज्यादा है यू रियली डू नॉट वांट ये सारा स्टेक आपके बिहाफ पर आए ठीक है तो कंसेंसस मैपिंग डेल्फी टेक्निक सब में डिसीजन इवेंचुअली मैनेजर को लेना पड़ता है नॉमिनल ग्रुपिंग इज द ओनली टेक्निक जिसमें वोटिंग अगर ज्यादा है लोगों की तो आप वही डिसीजन लेंगे तो आप ये कर रहे हैं कर लें कि इसमें फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो ऑल्टरनेटिव्स लोगों से निकलवाइए उस पे फिर डिसीजन लें कि अब आप, आप अपना वोट दीजिए कि कौन किसको बेहतर समझता है ये एक सेफ एग्जिट uh, है कि अगर कुछ क्योंकि वॉलीटाइल तो है अगर बैंकिंग इंडस्ट्री इज नॉट वेरी लाइक आप एस्टिमेशन नहीं उसकी सही कर पा रहे तो एटलीस्ट आपके पास ये सेफ एंड है कि यू डिड द नॉमिनल ग्रुपिंग नॉमिनल ग्रुपिंग में जो लोगों ने मैक्सिमम वोट दिए आपने उसके हिसाब से अमल किया आपके ऊपर सारी चीज की जिम्मेदारी नहीं आएगी तो बेहतर इज के आप नॉमिनल ग्रुपिंग कर ले बाकी भी आई मीन यूज आप सभी कर सकते हैं ब्रेन hmm. स्टॉमिंग भी कंसेंसिस भी डेल्फी भी मे भी साइनेटिक्स भी लेकिन साइनेटिक्स uh, तो खैर इतना इसमें वैलिड नहीं है बट बाकी थ्री इक्वली एप्लीकेबल लेकिन सेंस मेकिंग नॉमिनल ग्रुपिंग की बनती है होल रिस्पॉन्सिबिलिटी मे बी फॉर अ रोंग डिस ना हो तो उसकी जिम्मेदारी आप अकेले नहीं लेना चाह रहे और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें सबका वोटिंग से डिसीजन ले लेना बेहतर साबित हो सकता है ठीक है सो so, uh, ये हमारा ग्रुप डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस ये चैप्टर हमने आज डिस्कस किया डिसीजन मेकिंग इज इम्पोर्टेंट राइट अब तक uh, हमने चैप्टर खत्म किया आपको यकीन इसके प्रॉस एंड कॉन्स पता चल गए होंगे यू रियली हैव टू बी स्मार्ट वाइल टेकिंग ऑल दीज डिसीजंस ठीक है आप ऊपर नीचे करके खाम खवा में आ, जल्दी में हिस्ट्री ट मत लीजिए वेन यू विल बी मैनेजर्स यू रियली वुड नीड द एडवाइस ऑफ सेवरल पीपल लेकिन स्टिल ट्राई टू यूटिलाइज द मोस्ट अप्रोप्रियट या मोस्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन सब की राय जरूर लीजिए क्योंकि समाइम्स वी डोंट नो कि एक चीज़ को सॉल्व करने के कोई बहुत बहतीरे तरीके हो सकते हैं आप लोगों से पूछिए उनमें से आपको कोई ऐसा आइडिया जरूर मिलता है इनशाला जो प्रॉब्लम को सही ट्रैक पर लेके जा सकता है ट्राई टूगेदर एज मेनी आल्टरनेटिव एज पॉसिबल देन अगर डिसीजन फाइनल लेना है तो उसमें से ड्रॉप कर दीजिए आइडियाज लेकिन सबसे मशवरा जरूर लें जितने दिमाग उतने आइडियाज तो आपको बेहतर तरीके से उसमें गाइडेंस मिल सकती है एंड देन टेक डिसीजन क्योंकि डिसीजन मेकिंग बहुत क्रिटिकल होती है बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्टेक्स होते हैं बहुत ज्यादा ह्यूमन स्टेक्स होते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो डिसीजन मेकिंग जहाँ पर्सनल लेवल पर मुश्किल है वहां ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर और मुश्किल है तो अप्लाई कीजिए और टेस्ट कीजिए आपकी अब से स्टार्ट हुई हुई डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स आपकी फ्यूचर लाइफ में बहुत ज्यादा आपको काम आने वाली हैं राइट right? तो अभी से स्टार्ट करेंगे यू विल बी एबल टू लर्न इन फ्यूचर के कैसे काम करते हैं सो इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी सो बाय देन यू जस्ट टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज